हेलो दोस्तों टेकाई टे में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयटी स्किल का क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ है एक से लेके 101 तक पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आज हम पार्ट टू चल रहे हैं जिसमें 102 से लेकर के 200 तक बताएंगे और ये चार पार्ट में पूरा वीडियो है तो आप पूरे वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देख लें चाहे तो मेरे मेरे चैनल पर प्ले में जा के पूरा का पूरा हम बारी बारी से डाल रहे हैं उसको आप देखिएगा तो चलिए वीडियो को दे। ये feature, दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके में जो जुलाई 2023 में एग्जाम होगा उसमें बहुत आपका हेल्पफुल करेगा क्योंकि पिछले ईयर भी क्वेश्चन इसमें से बहुत टकराया था तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 हाउ मेनी डेज टेक टू फ्रॉम ए हैबिट्स तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी वन एक सौ तीन फैक्ट्रीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन नंबर ए नाइनटीन फोर्टी एट एक सौ चार वेगेज आर पेड क्या होना चाहिए मंथली होना चाहिए एक सौ पाँच वेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाई यूजिंग द एवेलेबल रिसोर्स दर्कर इच ए नंबर ऑप्शन होगा प्रोड्यूस प्रोड्यूस्टिव एक सौ छ पी पी ई मींस पी पी ई मींस यानी पी पी ई का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक सौ सात प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेनिंग एंड जॉब साइड एक्सपीरियंस एक सौ आठ ब्लैंक प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट्स बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड तो क्या होना चाहिए ग्लोब्स 109 सौ नौ वीच ऑफ दिज इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब आफ्टर आई टी आई फॉर इंटेरियर डिजाइनर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेशलिस्ट 110 सौ दस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ़ द फोल फॉलविंग इज नॉट वन ऑफ देम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोर डी एंड फोर एस मेथड्स एक सौ ग्यारह आई एस ओ स्टैंड फोर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आई एस ओ का फुल फॉर्म क्या होता है तो होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस्टैंडराइजेशन एक सौ बारह बी आई एस अस्टैंड फोर यानी बी आई एस का फुल फॉर्म क्या होता है तो उसका होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूरो ऑफ इंडियन अस्टैंडर्ड एक सौ तेरह द बिजनेस आइडिया शुड ऑप्शन नंबर बी सोल्व सम वन प्रॉब्लम्स एक सौ चौदह इन सोशल मीडिया वी यूज ब्लैंक टू कवरी आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस ए इमोजी एक सौ पंद्रह वी सेलेक्ट द खालिस्थान इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट एक सौ सोलह वी यूज इमोजी वेन क्या इमोजी होता है ऑप्शन नंबर बी वर्ड्स आर नॉट एनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग 117 सौ सत्रह वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट सिचुएशन और विथ पार्टिकुलर पीपुल वी आर यूजिंग आवर ए नंबर इमोशंस 118 सौ अठारह इट इज इम्पोर्टेंट टू क्या इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस एक सौ उन्नीस ए पर्सनल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रोपरली इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी इमोशनल इंटेलिजेंस एक सौ बीस ए पर्सन विच विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज ऑप्शन नंबर सी लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज एक सौ इक्कीस समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस नेक्स्ट चलते हैं एक सौ बाईस नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस इज टू आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस एक सौ तेईस वेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस वी मे एंड अप बी अपर सेल्फ एंड अदर्स एक सौ चौबीस एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्प इन ए फाइंडिंग सोल्यूशंस टू डील विथ निगेटिव इमोशंस एक सौ पच्चीस इफ वी नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल ब्लैंक इट कैन अस्पल रिलेशनशिप तो डी नंबर ऑप्शन होगा एंगर एक सौ छब्बीस वाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटली इंट्रोडक्शिंग वन सेल्फ कॉल्ड सी सेल्फ इंट्रोडक्शन एक सौ सत्ताइस ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग ए डिजाइ डिसीजन ऑप्शन नंबर सी हीरिंग एक सौ अट्ठाइस ऑल ऑफअस खाली स्थान ऑन कम्पली कंप्लेशन ऑफ द कोर्स बी सर्च फॉर जॉब जैसे जब आपको कोर्स कंप्लीट कर लिए तो क्या करना चाहिए तो फिर जॉब के लिए सर्च करना चाहिए एक सौ उनतीस टी आई ट्रेंस मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग ए इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसिप 130 गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक सी गुड पॉजिटिव इम्प्रेशन। यानी आप अगर किसी को सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से करिएगा तो उसको आपको गुड पॉजिटिव इम्प्रेशन मिलेगा 131 सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ ब्लैंक योर आर यू आर तो बी हो जाएगा कॉन्फिडेंट एक सौ बत्तीस एक विक समी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड सी एलिवेटर पिच एक इंट्रोडक्शन वन सेल्फ इन ए स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड इज कॉल्ड एलिवेटर पिच एक सौ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू इज तो क्या होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक सौ पैंतीस एवरीथिंग अबाउट पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम इज कॉल्ड उसको क्या हम बोलेंगे ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट एक सौ छत्तीस आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस तो इसका सी होगा लिंकड इन एक सौ सैंतीस यू एक्सप्लोर लिंकड इन टू नो अबाउट कंपेनिस कंपेनीस इट्स एम्प्लाय गेट इंडस्ट्री अपडेट इट इी यू आर एक्सप्लोरिंग इट तीन नंबर एज ए रिच टूल्स एक सौ अड़तीस व्हैन ए पर्सन गिवहिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ही या सी इज डूइंग इन ए एन इफोर्ट टू रीच ए गोल इट इज कॉल्ड ये हो जाएगा फीडबैक एक सौ उनचालीस गिविंग इन्फॉर्मेशन इन ए मैनर डेट डज नॉट अटैक ए पर्सन बट ब्रिंग प्रोफे पॉसिबल चार्ज टू द बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी इफेक्टिव फीडबैक एक सौ चालीस वैन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट योर फील बी फील डिसअपॉइंटेड यानी जो पॉइंट लिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा एक सौ इकतालीस वैन अदर ऑब्जर्व यू एंड शेयर वाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस डे ऑप्शन नंबर डी आर गिविंग यू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट एक सौ बयालीस एंड एम्प्लॉइज गेट फीडबैक फ्रोम सुपरविजर एच आर एंड अदर कॉलेज टू ए हो जाएगा इम्प्रूव एक सौ तैंतालीस निगेटिव फीडबैक इज यूजली गिवेन ए होगा कंस्ट्रक्टली एक सौ चौवालीस टू इम्प्रूव योर लिस्टन स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेशन यू नीड टू ए होगा अस्टार लिस्टिंग एक्टिविटी एक सौ पैंतालीस यू ए सीगमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर्स इन योर क्लास वाई आर नॉट यू स्टडीज इज एन एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव फीडबैक एक सौ छियालीस गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव कमेंट्स फॉलो बाय सजेस्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विथ पॉजिटिव कमेंट इज कॉल्ड एक सौ सैंतालीस वैन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिस्टर्न डेट यू आर प्रोवाइडिंग ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट एक सौ अड़तालीस सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बी नंबर ऑप्शन लुकिंग इन वर्ड एक सौ उनचास वैन वी टेक टाइम To think and pay attention to our thought, emotions, decisions and behavior is called is called hoga, option number 3 self-reflection. Exopachas identify thing that are under our control and those that आर not नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प अस टू बी ऑप्शन नंबर ए मोर सेल्फ अवेयर तो दोस्तों आज 50 क्वेश्चन ही बता रहे हैं यानी 150 हो गया पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन बताए थे 50 50 करके ही बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो आपको देखने में भी लगता है तो इसलिए 50 50 क्वेश्चन करके पार्ट बाय पार्ट हम बताते देंगे तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आ चुके हैं जय हिंद